लोकेश जी, आप मुख्य प्रबंध निदेशक हैं और डिस्कॉम के साथ आपका नाता लंबे समय से बना हुआ है, और जिस तरीके से ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले कुछ सालों के मुकाबले, अगर मैं 2014 के पीछे चली जाती हूं और अगर वर्तमान की बात की जाए, इधर 10 सालों में जबरदस्त प्रयास किया गया। हमने न सिर्फ उत्पादकता बढ़ाई, हम रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज की तरफ भी आगे बढ़े। लेकिन पहले डिस्कॉम को लेकर के मैं चाहूंगी हमारे यहां पर जो लोग मौजूद हैं उनको बताएं कि आप लोग डिस्कॉम के लिहाज से, ऊर्जा के लिहाज से किस तरह के काम कर रहे हैं, ताकि इस सेशन को हम आगे बढ़ाएं। मैं सबसे पहले तो आज के इस समिट में मुझे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। महाराष्ट्र का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसको महावितरण के नाम से जानते हैं, ये भारत देश की सबसे बड़ी डिस्कॉम है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, और भारत ही नहीं विश्व में ये दूसरे नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जी। हमारा जो पीक डिमांड है करीब करीब 30,000 मेगावाट का पीक डिमांड है, और आने वाले समय में जो हमारे राज्य की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको ध्यान में रखते हुए अगर हमने अगले 10 साल में जो हमारी आवश्यकता है उसके लिए एक रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान बनाया है, और उसके तहत करीब करीब ये आज जो हमारी पीक डिमांड है जो 30,000 मेगावाट है वो 45,000 मेगावाट हो जाएगी। जैसा आपने जिक्र किया कि पिछले कुछ वर्षों में हमारी जो ग्रोथ हुई है उसका अगर हम वार्षिक दर की बात करें तो करीब करीब 4.5% की दर से हमारी वृद्धि हुई है, और अगले आने वाले जो कुछ वर्ष हैं जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें करीब करीब 6.5% की दर से वृद्धि होने वाली है। तो इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो सबसे पहले हमारा अगर पीछे वाले जो समय की बात करें, जो हमारे पीछे जो सिचुएशन थी, हमारे यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ पावर थी उसके तहत हमारे पास जो रिसोर्सेज थे वो एडिक्वेट नहीं थे। और आज जो हम यहाँ जो काम कर रहे हैं उसका जो हमारा मूल मंत्र है, जो हमारा एक मोटो जो बोल सकते हैं इस कंपनी का, वो है एडिक्वेट रिलायबल एंड क्वालिटी पावर फॉर ऑल कंज्यूमर्स। तो उसके तहत जो हम काम कर रहे हैं, जो कभी लोड शेडिंग की एक सिचुएशन महाराष्ट्र में निर्माण होती थी, पिछले 6 से 7 वर्षों में कभी भी लोड शेडिंग हमको नहीं करने पड़ा, और आने वाले समय भी हम लोग आज की अगर बात करें तो हम लोग एक पावर सरप्लस यूटिलिटी हैं, और भविष्य में भी हम लोग इस स्थिति को बनाए रखेंगे। एक सवाल सर, चूंकि आप जिस तरीके से डिस्कॉम को लेकर के काम कर रहे हैं, जो मांगे उसको सौर पंप देने की जो महाराष्ट्र सरकार की योजना है, इस योजना को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और ऐसा क्या जरूरत पड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो लगातार डिस्ट्रीब्यूशन हो ही रहा था, डिस्कॉम कर ही रहा था, लेकिन इतना एक मिशन मोड पर जाकर के इस तरीके के मिशन को इस्तेमाल करना, लोगों को तक जाना और किसानों को खास करके ये सारी सुविधाओं को पहुंचाना, इसके पीछे के उद्देश्य क्या है और ये पूरी प्रणाली क्या है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र राज्य जो है अपने देश में सर्वाधिक ऊर्जा जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें खपत वाला राज्य है। हमारे पास करीब करीब 30% जो हमारी जो वार्षिक जो खपत होती है ऊर्जा की वो एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है, और महाराष्ट्र में जैसा कि हमारे ऊर्जा मंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने भी बताया कि किसानों को लेकर जो सुविधाएं दी जानी है उनके लिए हमने बहुत अच्छी एक प्लानिंग की है, जिसके अंतर्गत जो हमारे एग्रीकल्चर फीडर्स हैं उसके सोलराइजेशन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया है। अब अगर हम पूरा आंकड़े देखें तो करीब करीब 1 करोड़ जो हमारे किसान भाई हैं उनके करीब 47 लाख हमारे कनेक्शंस हैं एग्रीकल्चर के आज के डेट में, और इसमें दर वर्ष करीब करीब 1 लाख कनेक्शंस की वृद्धि होती है। एक बहुत ही एक टॉपिक है जो कि काफी आपको ध्यान में आया होगा, मीडिया में हमेशा सुर्खियों में रहता है, एग्रीकल्चर पेट पेंडिंग। अगर हम कुछ 2-3 साल पहले की बात करें तो करीब करीब 5 से 7 लाख पंप जो एग्रीकल्चर के जो कनेक्शंस के थे उनके एप्लीकेशंस पेंडिंग रहते थे। तो अभी हम लोगों ने जो योजनाएं बनाई हैं तो उसमें एक तो हमने ये किया कि जितने भी हमारे कनेक्शंस हैं उसको एग्रीकल्चर जो फीडर्स है उसको सोलराइजेशन का कार्यक्रम किया। दूसरा, क्योंकि हर वर्ष 1 लाख इसमें कनेक्शंस हमारे जो कन्वेंशनल कनेक्शंस थे उनको
हमने इस बार करीब करीब 1,12,000 कनेक्शंस को रिलीज किया है। और मैं बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की जो हमारी आज तक की जो MSEDCL की हिस्ट्री है, आज हमारे पास पेड पेंडिंग का अगर नंबर देखें तो सिर्फ 12,000 है, जो कभी लाखों में हुआ करता था। तो इसको हमने कायम स्वरूप से इस स्थिति को निराकरण करने के लिए ऑफ ग्रिड सोलर पंप की एक योजना हमने शुरुआत की है। ये जो योजना है इसमें आज तक हमारे पास 2015 से लेकर योजना चल रही थी, लेकिन उसका क्रियान्वयन का जो स्केल था बहुत ही छोटा था। आज तक का जो हमारा आंकड़ा है करीब करीब 2,35,000 पंप आज तक पिछले 9 वर्षों में लगाए गए, लेकिन अभी हमने जो योजना बनाई है उसमें अगले 3 वर्षों में हम लोग 8,00,000 पंप ऑफ ग्रिड जो है हम लगाने जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जितने नए कनेक्शन होंगे वो तो ऑफ ग्रिड में होंगे ही होंगे, लेकिन पुराने भी जो कुछ ऐसे जो अनकनेक्टेड जो फार्मर्स हैं उनको भी हम इस योजना में कवर करेंगे। इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि एक तो किसानों को उनके ही जो फार्म है ऑफ ग्रिड सोलर जो पंप लगाएंगे उसके खुद के ही वो विद्युत का उत्पादन करेंगे, तो इससे उनको डे टाइम में जो पावर का जो एक डिमांड उनका रहता था तो दिन में उनको पावर की अवेलेबिलिटी रहेगी। दूसरा, उसके अलावा उनको किसी भी प्रकार का बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अभी जो हम लोग कन्वेंशनल जो बिजली देते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटेड आरी का भी जो हम लोग प्रोग्राम हमारा चल रहा है तो उसमें भी ₹1 या ₹1.25 का एक जो यूनिट का जो दर है उनको किसानों को देना पड़ता है। तो इसमें निश्चित रूप से इसके आगे उनको कायम स्वरूप उनको एक बिजली के बिल से मुक्ति मिल जाएगी। पीएम सूर्य घर, चूंकि पीएम सूर्य घर योजना जो चल रही है इसके तहत किस तरीके से भारत सरकार काम कर रही है, और सातारा में एक ऐसा गांव है जो कि पूरी तरीके से सोलर पर निर्भर रहने वाला है, वहां पर 0 जो है बिजली सप्लाई का टारगेट है और वो भी करीब करीब पूरा होता जा रहा है। इस तरीके की योजना से खास करके ग्रामीण इलाकों में जहां पर कि ट्रांसमिशन करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती थी, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वहां तक पहुंचाने में काफी खर्च आता था, और इससे कितना फायदा होने वाला है? जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ महीने पहले ये जो पीएम सूर्य घर एक योजना का जो शुभारंभ किया है, ये निश्चित रूप से ही एक गेम चेंजर योजना है। इसका कारण यह है कि जो एक विद्युत आपूर्ति की जो व्यवस्था है इसमें हम लोग जो हमारे छोटे कंज्यूमर्स हैं, स्पेशली जो 100 यूनिट से कम जो विद्युत जिनका कंजम्पशन है रेजिडेंशियल कैटेगरी में, तो जब इनकी दर निश्चित की जाती है तो इनकी दर थोड़ा नीचे रखी जाती है। उसके लिए हम जो हायर कंजम्पशन वाले जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको हम क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं। जैसा माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने भी अभी आपको एक बताया था कि पूरे अगर हम इसके एग्रीकल्चर सेक्टर को क्रॉस सब्सिडाइज करने की बात करें तो करीब करीब 3,500 करोड़ का उसमें क्रॉस सब्सिडाइजेशन होता है, जिसका कि भार जो है वो अपने इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर आता है। इसी प्रकार से ये अगर हम 100 यूनिट से कम वाले जो कंज्यूमर्स हैं रेजिडेंशियल कैटेगरी में, इनका अगर हम विचार करें तो इनके लिए करीब करीब 2,500 से 3,000 करोड़ का क्रॉस सब्सिडी का बोझा आता है। तो इन लोगों के लिए, और मैं आपको एक और आंकड़ा शेयर करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में जो हमारे टोटल जो कंज्यूमर्स हैं करीब करीब 3,10,00,000 कंज्यूमर्स हैं, उसमें से 2,30,000 कंज्यूमर्स हमारे रेजिडेंशियल कैटेगरी के हैं, और उसमें से 70% जो कंज्यूमर्स हैं वो 100 यूनिट से नीचे वाले हैं। तो एक ये बहुत बड़ा ही कैटेगरी है जो हमारा, इसमें पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर की जो योजना बनाई गई है, इस योजना में उन लाभार्थियों को अगर 100 यूनिट का उनका कंजम्पशन है तो 1 किलोवाट का उनको रूफटॉप सोलर पैनल लगाना पड़ता है, 200 यूनिट तक का है तो 2 किलोवाट का लगता है, और 300 यूनिट का है तो 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाना पड़ता है। तो इस योजना में 1 किलोवाट के लिए 30,000 की सब्सिडी, क्योंकि उसका जो कुल खर्च है करीब 50,000 रुपये आता है, तो इन लोगों को एक तरीके से 60% उनकी जो खर्च होने वाला है वो राशि उनको मिल रही है। और इस योजना में ज्यादा से ज्यादा 78,000 का सब्सिडी का प्रावधान रखा है जो कि 3 किलोवाट के लिए है। तो इस प्रकार से ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट से इन लोगों को खुद की जो बिजली जो आवश्यकता है उसको पूरा करने में तो मदद मिलेगी मिलेगी, लेकिन हम लोगों के लिए जो एक अच्छी बात यह है कि जो हमको क्रॉस सब्सिडाइज करके इन लोगों का जो सब्सिडी देना पड़ता था उसमें भी कमी आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोग अपना जो बिजली का जो बिल है, अभी जो बिजली का जो बिल आता है वो इनका बिजली का बिल शून्य हो जाएगा, और अगर वो उनका जो कंजम्पशन उसको भी कम करते हैं
तो अतिरिक्त जो बिजली का जो उत्पादन करेंगे उसको महावितरण खरीदी करेगी, उससे उनको एक अतिरिक्त आय का स्रोत भी उपलब्ध होगा। बिल्कुल, तो सौर ऊर्जा से वाकई किसानों को बहुत मदद मिलेगी। एक जानकारी अपने तमाम मेहमानों को ये भी बताना चाहेंगे कि इस वित्त वर्ष के लिए सरकार की तरफ से किसानों के लिहाज से कुछ खास प्रयास भी किए गए हैं, जिसमें 44 लाख किसानों के बिजली बिल का जो बकाया है उसे माफ किया जाएगा, इसका प्रावधान किया गया है। जरा इसके बारे में भी बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है किसानों के लिहाज से। और सर, इसी के साथ में मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ्त जो बिजली योजना है इसके बारे में भी बताएं, क्योंकि इसमें भी मैं जो आंकड़ा देख रही हूं 14,760 करोड़ तक की छूट ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन के जरिए देने का प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप से जैसा किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, राज्य सरकार ने अभी इसके बारे में क्रियान्वयन का काम शुरू हो गया है। इसका मैं आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि ये जो योजनाएं हैं उसको हमने सस्टेनेबल बनाने के लिए, ये जो एग्रीकल्चर फीडर सोलराइजेशन का जो प्रोग्राम जो हाथ में लिया है, तो उससे निश्चित रूप से एक हमने एक किसानों के लिए महाराष्ट्र एग्रो सोलर कंपनी की स्थापना की, और जितना भी डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी का ये जो प्रोग्राम है वो उस कंपनी के द्वारा किया जाएगा। तो एक विद्युत आपूर्ति की एक जो दर है जो नॉर्मल हमारे औसतन 8 से 8.5 रुपए रहती है, ये एग्रीकल्चर फीडर सोलराइजेशन के कार्यक्रम के तहत उसका एवरेज जो कॉस्ट है वो 3.08 रुपए हो जाएगा। तो इससे निश्चित रूप से हमारे को जो विद्युत खरीदी की जो खर्च आती है उस खर्च में 10,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष उसमें हमारा खर्च कम होगा। तो ये एक जो प्रावधान 14,000 करोड़ का जो हमने रखा हुआ है, आज भी हम लोग जो उसमें क्रॉस सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है किसानों के लिए वो करीब करीब 7,000 करोड़ की है। तो ये जो 7,000 करोड़ की सब्सिडी और जो 10,000 करोड़ का हमारा जो बचत होगा खरीदी के खर्च में, उन दोनों को अगर हम देखें तो उसकी तुलना में हमको प्रतिवर्ष 4,500 करोड़ की सब्सिडी में कटौती होने वाली है। तो ये एक सस्टेनेबल बेसिस पर किसानों के लिए जो योजना राज्य शासन ने बनाई है, निश्चित रूप से करीब करीब 45 लाख किसानों को राज्य में इसका फायदा होगा। सर, बीते दिनों एमईआरसी ने जो रेट्स हैं वो रिवाइज किए थे, हालांकि इसके बारे में सरकार की तरफ से कहा गया कि उन लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं होगा जिनकी खपत आम है। जैसा कि आप भी कह रहे थे कि 100 यूनिट खर्च करने वालों को फायदा ही मिलेगा, उस लिहाज से प्रावधान किए गए हैं, लेकिन जरा इसके बारे में विस्तार से बताएं, क्योंकि चुनाव के पहले इतना कठोर डिसीजन, विपक्ष ने यह भी कहा था कि ये नुकसान देगा, तो इसको आप क्योंकि नतीजे आ चुके हैं लोकसभा चुनाव के, इसको आप कैसे देखते हैं? विधानसभा चुनाव नजदीक है, कुछ वापस तब्दीलियां हो सकती हैं क्या? देखिए, जो एनर्जी सेक्टर है एक रेगुलेटेड सेक्टर है, इसमें जो सप्लाई के जो दर है जिस भी कैटेगरी के है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल हो, या रेजिडेंशियल हो, या एग्रीकल्चर हो, ये एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर जो है, जिसको कि हमारे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बोलते हैं, उसके द्वारा निश्चित किया जाता है। और जब वो दर निश्चित करते हैं तो उसमें हम लोग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, ये जो पब्लिक सर्विसेज जो हम लोग देते हैं उसमें एक जो निश्चित रिटर्न ऑन इक्विटी है उसको ध्यान में रखकर ये दर निश्चित किए जाते हैं। और इसमें जो हमारा विद्युत आपूर्ति के लिए जो खर्च हमको करना पड़ता है, जो विद्युत निर्मिति का हो, या विद्युत पारेषण के लिए जो खर्चा होता है, या डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारा सिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए जो हमारा खर्चा है, और साथ में हमारे इसके लिए पूरी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो हमारे कर्मचारी इसमें काम करते हैं, तो ये सारा खर्च ध्यान में रखकर एक निश्चित अनुपात में ये सारे दर निश्चित होते हैं। और ये दर जो है वो करीब करीब 5 वर्ष के लिए निश्चित होते हैं, और हर 2-2.5 साल के बाद उसको वो ट्रू अप जिसको बोलते हैं, उसमें जो भी खर्च कम ज्यादा हुआ उसके तरीके से वो उनको निश्चित किया जाता है। लेकिन इस पिछले 2-3 महीनों में जो विद्युत में बिलों में जो बढ़ोतरी हुई है उसको मैं बताना चाहूंगा कि ये मुख्य रूप से जो कंजम्पशन है वो बढ़ा है। आपको मालूम होगा कि इस वर्ष अप्रैल और मई के महीने में जो टेम्परेचर था नॉर्मल टेम्परेचर की बजाय बहुत ज्यादा था, और हमने जितने भी बिल देखे उसमें हमारे को ये ध्यान में आया कि जो भी कैटेगरी है, जैसे 100 यूनिट तक के जो कंजम्पशन वाले जो उपभोक्ता थे उनका 100 से 300 वाली यूनिट में उनका कैटेगरी में बदलाव हो गया, जो 100 से 300 वाली यूनिट वाले थे उनका 500 यूनिट से ज्यादा उनका कंजम्पशन हो गया। तो करीब करीब 60 से 70% लोगों का जो कंजम्पशन था रेजिडेंशियल कैटेगरी में बढ़ा है। तो ये जो विद्युत के बिल में जो वृद्धि हुई है ये उस अनुपात में हुई है, ना कि उसमें दर वृद्धि की वजह से हुई है।
तो कंजम्पशन जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसके बिल का जो भार है तो बढ़ने वाला। एक सवाल सर ये है कि लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो महाराष्ट्र में चल रही है वो दरअसल क्या है और खास करके आम जो नागरिकों को किस तरीके से उसका फायदा होने वाला? अभी जैसे पहले वाले सेशन में आप लोगों ने एक कि महाराष्ट्र के कौन से मॉडल्स हैं जो कि पथदर्शी मॉडल के रूप में पूरे देश में दूसरे राज्य उसको अनुकरण कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि लिफ्ट इरिगेशन सोलराइजेशन का जो ये हमारा प्रोग्राम है वो भी एक पथदर्शी प्रकल्प है। इसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो लिफ्ट इरिगेशन है योजनाएं हैं उसमें विद्युत जो कंजम्पशन है, जैसे एग्रीकल्चर का सेक्टर है ऐसे ही लिफ्ट इरिगेशन का भी जो कंजम्पशन है पूरे देश में सबसे ज्यादा है, और यहाँ बहुत बड़ी बड़ी लिफ्ट इरिगेशन जो परियोजनाएं हैं, तो इन सभी का जो कंजम्पशन आज होता है उसको पूर्ण रूप से सोलर एनर्जी के ऊपर कन्वर्ट करने के लिए हमने ये योजना बनाई है। इस योजना में पुनः एक हमने जो मॉडल बनाया है उसमें जो हमारा वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट जिसको आप बोल सकते हैं, उसके पास जो अवेलेबल भूमि है उसमें हम लोग ये सोलर पार्क बना रहे हैं, और जो उनको जो आवश्यकता है उससे करीब करीब 1.5 गुना ये सोलर जो एनर्जी है वो जनरेट करेंगे इन परियोजनाओं में। तो इससे इन लिफ्ट इरिगेशन स्कीम में भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि शासन की तरफ से सब्सिडी दी जाती है, तो वो भी करीब करीब 1.19 रुपए का पर यूनिट सब्सिडी, और जिसका कि दर वर्ष करीब करीब 1000 करोड़ का भार राज्य शासन के ऊपर आता है। तो इस योजना का हमने जो मॉडल बनाया है कि उसमें जो एडिशनल यूनिट जो ये जनरेट करेंगे लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, और उसका जो विद्युत का उत्पादन होगा वो महावितरण कंपनी उसको 3 रुपए की दर से खरीदेगी, तो इनका जो सब्सिडी का जो अमाउंट है वो भी उस जो अतिरिक्त विद्युत उत्पादन होगा उसमें से निकल जाएगा। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट, महावितरण और किसान, ये लिफ्ट इरिगेशन का जिनका विद्युत का जो बिल आता था, ये तीनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है जिसमें कि पूरा उनका जो बिल है वो भी 0 हो जाएगा, और ये जो विद्युत का जो सप्लाई का जो खर्च था वो सोलर में ट्रांसफर करने की वजह से जो आज हमारा एवरेज जो पावर परचेज कॉस्ट है अगर हम थर्मल और इसकी पूरे बात करें तो करीब करीब 5.5 रुपए है, तो ये 5.5 रुपए की वजह से 3 रुपए में परिवर्तित होने की वजह से यह एक सेल्फ सस्टेन्ड मॉडल है जो कि मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में एक पथदर्शी प्रकल्प के रूप में क्रियान्वित होगा। एक सवाल सर ये है कि महाराष्ट्र के भीतर खास करके कंज्यूमर्स चूंकि पिछले दिनों बिजली की बिल बढ़ी उसके कारण काफी ज्यादा परेशान है, तो कंज्यूमर्स को राहत देने के लिए किस तरीके की सरकार की अगली पॉलिसी से क्या क्या चीजें कंज्यूमर के फायदे के लिहाज से की जा रही है? जैसा मैंने आपको बताया कि जो विद्युत बिल में जो वृद्धि हुई है उसका मुख्य कारण उनका कंजम्पशन में वृद्धि होने की वजह से है। अब जैसे ही बारिश शुरू हुई तो उसके बाद जो कंजम्पशन कम हुआ तो निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी बिल में, लेकिन ये जो कालावधि के जो बिल थे जिसमें कि उनको अचानक से कंजम्पशन में वृद्धि होने की वजह से ज्यादा बिल आया, तो उसके लिए हम लोगों ने एक उनको इंस्टॉलमेंट देने की एक योजना उसमें क्रियान्वित की है, तो जो लोग एक साथ उसमें पेमेंट करने में उसमें दिक्कत जिन लोगों को हो रही है तो निश्चित रूप से उस योजना में वो तीन फ्लेक्सिबिलिटी भी है, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी हमने ऑलरेडी प्रदान कर दी और उसका कुछ लोग फायदा भी ले रहे हैं। तो श्री लोकेश चंद्रा जी के साथ ये बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन रहा और मुझे लगता है कि बिजली के संदर्भ में जो भी तमाम आपके सवाल होंगे वो लोकेश जी के जरिए वो हम उसका जवाब भी काफी हद तक तलाश पाए होंगे और आप उसको बखूबी समझ भी रहे होंगे कि योजनाओं का जब आपको फायदा मिलता है तो सरकार उस संदर्भ में कई बार कुछ कठोर कदम भी उठा लेती है। जी हाँ, मैं रेट रिवाइज का ही जिक्र कर रही हूँ, हालांकि लोकेश जी ने उससे इत्तेफाक नहीं रखा। मैं मंच पर अब एक बार फिर से भारत एक्सप्रेस के अभिभावक हमारे CMD श्री उपेंद्र राय जी को बुलाना चाहूंगी, श्री लोकेश जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे।